बेहद स्वागत है जी सभी का। एक बार फिर हाजिर हैं, जसमीत भाटिया जी हमारे साथ हैं, कनाडा से वापस आए हैं, कुछ दिन हुए हैं। पूरा कनाडा में इन्होंने विजिट किया, 10, 12, 13, 14 सिटीज़ में गए, यूनिवर्सिटीज़ में गए, कॉलेजेस में गए, एम्प्लॉयर्स से मिले, जॉब मार्केट पे काम किया, किस तरह की इंडस्ट्री है, किस तरह की एजुकेशन स्टूडेंट्स को लेनी चाहिए उस पर काम किया। अब एक इनकी रिसर्च पे आधारित आज एक बात करेंगे कि अब किस तरह के प्रोफाइल्स कनाडा के लिए मोस्ट सुटेबल हैं, किस तरह की जॉब्स, किस तरह के कोर्सेज आप चुनें, और निश्चित तौर पे जो अच्छे प्रोफाइल्स हैं कैसे हैं, किन को ज़्यादा वीज़ा मिलने की उम्मीद है, किन को ईजिली जॉब प्लेसमेंट होने की उम्मीद है, ये जसमीत जी से समझेंगे। जसमीत जी आपका स्वागत है जी। हेलो एवरीवन। जसमीत जी, आज के वक्त में हालांकि रिसेशन नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, जैसे आपने बताया कि स्टूडेंट एक प्रक्रिया को फॉलो करें तो उनको जॉब्स बहुत हैं उनके लिए, रिसेशन ग्लोबल फिनोमिना है, लेकिन आपको अपने आप को साबित भी करना है मेहनत के बल पे। आज का टॉपिक है जसमीत जी, कौन से प्रोफाइल हैं जिनकी कनाडा में बड़ी वैल्यू है सितंबर, जनवरी और आने वाले सालों में, और जिनको अच्छी जॉब्स इजीली मिल सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, कनाडा इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट हमने देखना है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें जल्दी जॉब किस में मिलेगी और हम किस में बहुत अच्छा सेटल हो सकते हैं। सो राइट नाउ फर्स्ट थिंग तो मैं सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स वाले हैं वो बैचलर डिग्री पे फोकस करें, क्योंकि डिप्लोमा मार्केट में जो बच्चे जा रहे हैं उनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी हो चुकी है। सो अगर आपको कल को एक अच्छी जॉब लेनी है तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए होगी, क्योंकि डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट लाखों हैं, लाखों बच्चा वहाँ पे डिप्लोमा कर रहा है। सो अगर आप आउट ऑफ क्या कहते हैं क्राउड स्टैंड होना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री पे फोकस करें। सो फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि हम बैचलर डिग्री करनी ज़रूर कोशिश करें, जो कर सकते हैं, जिनके नंबर अच्छे हैं, स्कॉलरशिप्स दे रही हैं यूनिवर्सिटीज़, क्यों ना हम वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें। सेकेंड पॉइंट है कि जो कुछ कोर्सेज जिनका मैं नाम लूँगा जो बहुत हाई डिमांड पे हैं, जिनको जॉब कोर्स ख़त्म होने से पहले मिल जाती है, वो हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मोटिव पावर टेक्नीशियन, पावर इंजीनियरिंग, केमिकल लैब टेक्नीशियन, फार्मेसी टेक्नीशियन, नर्सिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, वेल्डिंग टेक्नीशियन, प्लम्बिंग टेक्नीशियन, एयर कंडीशनिंग एंड हीटिंग टेक्नीशियन, एंड इसके अलावा अगर बात करेंगे तो अकाउंटेंट्स जो CPA बिजनेस अकाउंटिंग कर लेते हैं उनकी बहुत हाई डिमांड है, एंड सिक्योरिटी गार्ड्स पुलिस फाउंडेशन के जो बच्चे कोर्सेज कर रहे हैं उनकी भी बहुत डिमांड है। सो स्टूडेंट, ये कुछ कोर्सेज ही हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, और आईटी में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो बच्चे बैचलर्स कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में उनको जॉब लास्ट सेमेस्टर में ही मिल जाती है, उनकी वर्क प्लेसमेंट हो जाती है। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंड जो बच्चे MBA कर रहे हैं उनकी भी बहुत हैवी डिमांड है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर फ्यू कोर्सेज विच यू कैन डू इफ़ यू आर हैव एन इंटरेस्ट इन दीज कोर्सेज, बट कोर्सेज की लिस्ट बहुत लंबी है, बिकॉज कैनेडा में जो स्किल ट्रेड में जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, अभी भी शॉर्टेज है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, कनाडा में अभी भी एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज है, और जो इकोनॉमी है वो इमिग्रेशन ड्रिवन है। मतलब कि कल को हम ज़रूर देखते हैं कि स्टूडेंट्स ब्रैम्पटन जा रहे हैं, टोरंटो जा रहे हैं, देयर विल बी सम चेंज, बट नोबडी नोज व्हेन दैट देयर विल बी अ चेंज, बिकॉज एक ही जगह पे जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ नॉट गुड। और बच्चे भी सोचते हैं कि मैं किचनर आ गया हूँ, मुझे किचनर से टोरंटो या ब्रैम्पटन जाना चाहिए, बट आप किचनर के आसपास बहुत बड़ा एरिया है वहाँ जॉब ढूंढें तो आपको शायद जल्दी मिल जाएगी, बट टोरंटो और ब्रैम्पटन में थोड़ा टाइम लग सकता है। सो स्टूडेंट्स, राइट नाउ वी हैव टू असेस थिंग्स, सी कनाडा डिफरेंटली एंड टेक कोर्सेज विच विल बी इन हाई इन डिमांड एंड विच विल हैव बेटर पॉसिबिलिटीज फॉर योर फ्यूचर। और लैंडमार्क इमिग्रेशन पिछले 16 सालों से फ्यूचर बनाने की कोशिश करता आ रहा है बच्चों की, और हमें बहुत खुशी मिलती है जब हमारे स्टूडेंट्स एक अच्छी जॉब अचीव करते हैं, अच्छे सेटल होते हैं, और मैं बहुत बच्चों से अपने मिला भी इस बार,
और बहुत अच्छा लगा, बहुत कॉलेजेस मेरी विजिट रही एंड वैंकूवर से लेके टोरंटो तक, मतलब आप बोलो कि क्रॉस कंट्री मैंने किया है, वैंकूवर से मैं स्टार्ट हुआ था और टोरंटो तक मैं ट्रैवल किया हूँ। उसके बीच में अल्बर्टा में विजिट किया मेरा कैलगरी एंड एडमिंटन में मेरी विजिट रही, वैंकूवर में एबट्सफोर्ड, बर्नबी, रिचमंड मैंने विजिट किया, कॉलेजेस में विजिट किया, टोरंटो में मिसिसागा, ब्रैम्पटन, स्कारबरो, ओशावा, बेलविल, किचनर, नायग्रा, हैमिल्टन मेरी विजिट रही कॉलेजेस में। सो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरे को। कनाडा जाते हुए बहुत साल हो चुके हैं बट स्टिल आई लर्न एवरीथिंग न्यू, एंड आपके भी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम नए एनवायरमेंट में कुछ नया सीखें और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। बिल्कुल जी, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है जसमीत जी ने, 9041390412। सो सितंबर इनटेक के लिए भी ओपनिंग्स हैं, अभी बहुत सारे सरकारी कॉलेजेस हैं जिनमें अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, रिफ्यूज़ल के बाद भी आप कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच जसमीत जी, 9041390412 इस नंबर पे आप बात कीजिए, देश के किसी भी हिस्से से आप फ़ोन कर सकते हैं। ऑनलाइन फाइल मूव करने के लिए भी आप लैंडमार्क इमिग्रेशन के वेबसाइट के जरिए संपर्क कर सकते हैं, ईमेल आईडी है info@landmarkimmigration.com। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।